बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए कुछ टेक्निक्स लर्न की थी, जिनमें पासवर्ड्स, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स और कॉल बैक सिस्टम्स को डिटेल में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए कंप्यूटर की सिक्योरिटी की मजीद टेक्निक्स की डिटेल्स देखेंगे। हमने पहली टेक्निक है डिजिटल सिग्नेचर। दोस्तों, डिजिटल सिग्नेचर से पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि आम अल्फाज में सिग्नेचर क्या होता है। तो दोस्तों, सिग्नेचर एक इस तरह का प्रूफ होता है जो कि रिसीवर को बताता है कि जो डॉक्यूमेंट आपको मिला है वो वेरीफाइड सोर्स से आया है। लेकिन अब जमाना डिजिटाइज्ड हो गया है। फॉर एग्जांपल, दो पार्टनर्स हैं, एलिस और बॉब, और वो अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, और एलिस को कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट बॉब से सिग्नेचर करवाना है। तो एलिस पहले वो डॉक्यूमेंट बॉब को भेजेगा, जिसमें कई कई दिन लग सकते हैं, देन फिर बॉब उस पर साइन करेगा और फिर दोबारा से एलिस को भेज देगा। अब इस प्रोसीजर में तो दोनों को बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अलावा ये तो फिजिकल डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर की बात हो गई, लेकिन अब जमाना डिजिटाइज हो गया है, मींस तमाम पेपर वर्क हम कंप्यूटर पर परफॉर्म करते हैं। कोई लेटर हो, फाइल्स हो, डॉक्यूमेंट्स हो, तो उन कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर्स कैसे किए जाएं? इन दोनों वजूहात की बिना पर एक टेक्निक इन्वेंट की गई, विच इज डिजिटल सिग्नेचर, जो कि ये बताती है रिसीवर को कि जो डॉक्यूमेंट आपको मिला है वो वेरीफाइड है या नहीं, यानी वो सही सोर्स से आया है या नहीं। क्योंकि जब भी दोस्तों इंटरनेट के थ्रू डाटा एक्सचेंज होता है बिटवीन टू कंप्यूटर्स, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बीच में कोई एलिस का डॉक्यूमेंट चुरा ले और बॉब को कोई और डाटा भेज दे। तो बॉब को कैसे पता चलेगा कि ये डाटा एलिस ने ही भेजा है, यानी वेरीफाइड सोर्स से ही आया है? तो डियर फ्रेंड्स, ये पता चलेगा डिजिटल सिग्नेचर के जरिए। और डिजिटल सिग्नेचर क्या है? अ डिजिटल सिग्नेचर इज अ स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स एंड कैरेक्टर्स दैट अ यूजर साइन टू एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। यानी एक इस तरह का सिग्नेचर होता है जो अलग अलग अल्फाज और नंबर्स से मिलकर बनता है, और जो भी डॉक्यूमेंट सेंडर भेजेगा रिसीवर को, वो उसके साथ ये डिजिटल सिग्नेचर भी करेगा। और जब ये पूरा डॉक्यूमेंट विद सिग्नेचर रिसीवर के पास पहुंच जाएगा, then the receiver computer perform mathematical operations on the string to verify its validity। yani receiver us par koi operation perform karega jisse use pata lag jayega ki ye jo document aaya hai ye valid source se aaya hai ya nahi, aur yahan wo valid source hai Alice। dosto aaiye ab jante hain ki digital signature kaam kis tarike se karta hai। dosto is digital signature process mein do tarah ki keys use ki jati hain। ab aap log soch rahe honge ki ye key yahan par kya kar rahi hai, की का क्या काम है? तो ये की ही दरअसल वो अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, यानी सेंडर का सिग्नेचर है, जिसके जरिए सेंडर डॉक्यूमेंट को रिसीवर को भेजेगा। और याद रखिए कि ये की हमेशा कॉम्प्लेक्स होगी, यानी ये मल्टीपल नंबर्स, अल्फाबेट, सिंबल्स पर मुश्तमिल होगी, जिसको कोई हैकर हैक ना कर सके, और साथ के साथ यूनिक भी होगी। यानी अगर एलिस ने किसी को डॉक्यूमेंट भेजा है जिसमें डिजिटल सिग्नेचर के अंदर उसने की भी जनरेट की है, तो अभी वो बॉब को भेज रहा है तो उसकी की बिल्कुल अलग होगी। फिर अगर वो किसी और अपने एम्प्लॉय को भेजेगा तो उसके लिए जो की जनरेट होगी वो बिल्कुल अलग होगी। तो की हमेशा कॉम्प्लेक्स तो होगी, साथ के साथ यूनिक भी होगी, और उसको जनरेट किया जाएगा किसी न किसी एल्गोरिथम के जरिए। अब दोस्तों, इस डिजिटल सिग्नेचर के अंदर भी दो तरह की कीज यूज की जाती हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक की इस तरह की है जो कि सेंडर और रिसीवर को दोनों को पता होगी, यानी ये पब्लिकली डिफाइन होगी। जबकि प्राइवेट की इस तरह की है जो कि सिर्फ सेंडर की है, तो सिर्फ सेंडर को ही पता होगी, और अगर रिसीवर की प्राइवेट की है तो सिर्फ रिसीवर को ही पता होगी। जबकि पब्लिक की दोनों को एक दूसरे की पता हो सकती है। अब दोस्तों, होगा क्या, यहाँ एलिस सेंड करेगा, वो सेंड करना चाहता है कोई डिजिटल सिग्नेचर, कोई डिजिटल मैसेज बॉब को, यानी एलिस यहाँ पर सेंडर है और वो एक डिजिटल मैसेज बॉब को भेजना चाहता है, और बॉब है रिसीवर। तो एलिस सबसे पहले अपनी दो कीज जनरेट करेगा, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की, और अपनी पब्लिक की को भेज देगा बॉब को। इससे बॉब को पता लग जाएगा कि एलिस उसके पास कोई मैसेज भेजना चाहता है। याद रखिएगा, उसने अपनी पब्लिक की बॉब को भेजी है। इसके बाद एलिस अपने उस मैसेज को और अपनी प्राइवेट की को, याद रखिए दोस्तों, यहाँ वो अपनी प्राइवेट की को यूज कर रहा है, तो यहाँ पर एलिस अपनी प्राइवेट की को और उस मैसेज को डाल देगा डिजिटल सिग्नेचर जनरेशन एल्गोरिथम में, और उसके बाद
उसको वो डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम उसको निकाल कर देगा एक डिजिटल सिग्नेचर जिसमें एलिस का मैसेज और प्राइवेट की होगी और फिर वो ये साइन डिजिटल मैसेज सेंड कर देगा बॉब को। अब फ्रेंड्स रिसीविंग साइट पर क्या होगा, रिसीविंग साइट पर बॉब उस मैसेज को देखेगा और सोचेगा कि क्या ये मैसेज एलिस ने ही भेजा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मैसेज इंटरनेट के थ्रू आया है तो बीच में किसी ने इसे चेंज करके अपना कोई नया मैसेज भेज दिया हो। तो इसके लिए उसे जरूरत पड़ेगी वेरिफिकेशन की कि आया ये मैसेज एलिस ने ही भेजा है या नहीं, और फिर उसको याद आएगा कि हाँ एलिस ने सबसे पहले मुझे अपनी पब्लिक की सेंड की थी, उससे इस मैसेज को डिक्रिप्ट करके देखता हूँ, खोल के देखता हूँ। तो बॉब उस साइंड डॉक्यूमेंट को और एलिस की पब्लिक की को, याद रखिए यहाँ पर एलिस यूज करे, बॉब उस साइंड डॉक्यूमेंट को और एलिस की पब्लिक की को डाल देगा डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन एल्गोरिथम में और इस तरह उसे पता लग जाएगा कि ये एलिस ने ही भेजा है या नहीं। और अगर एलिस की पब्लिक की से वो मैसेज वेरीफाइड नहीं हुआ तो बॉब को पता लग जाएगा कि ये मैसेज एलिस ने नहीं भेजा बल्कि बीच में किसी ने इंटरनेट पर उसके साथ शरारत की है। तो फ्रेंड्स याद रखिए डिजिटल सिग्नेचर में एक रूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंडर हमेशा अपने मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा अपनी प्राइवेट की से, जबकि रिसीवर हमेशा उस मैसेज को वेरीफाई करेगा सेंडर की पब्लिक की से। और अगर वो सेंडर की पब्लिक की से वेरीफाई हो गया वो मैसेज, इट मींस कि वो वैलिड सोर्स से मैसेज आया है, और अगर नहीं हुआ तो इससे पता लग जाएगा कि वैलिड सोर्स से मैसेज नहीं आया। तो दोस्तों ये वो तरीकेकार है जिसके जरिए आप किसी भी डॉक्यूमेंट की सिक्योरिटी को इंश्योर बना सकते हैं। इसके अलावा अब इंटरनेट का जमाना है, अक्सर कभी आप गलती से कुछ क्लिक क्लिक कर देते हैं इंटरनेट पर और उस क्लिक के जरिए आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। तो ऐसे में आप किस तरह अपने सिस्टम को वायरस और अनवांटेड एक्सेस से बचा सकते हैं, तो उसके लिए भी कुछ टेक्निक्स आपकी बुक में डिफाइन है जिसमें पहली टेक्निक है फायरवॉल। दोस्तों जिस तरह आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम तो सुना होगा जिसको बनाने का मेन मकसद था कि दुश्मन चाइना में एंटर ना हो सके, बिल्कुल ऐसे ही कंप्यूटर में भी एक वॉल होती है विच इज कॉल्ड फायरवॉल। और ये फायरवॉल कोई डेडिकेटेड हार्डवेयर भी हो सकता है और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन कोई सॉफ्टवेयर भी जिसको जिसका सिर्फ एक काम होता है कि अनवांटेड ट्रैफिक से अनवांटेड डेटा से आपके कंप्यूटर को बचाना। फॉर एग्जांपल आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट पर, कोई मूवी सर्च कर रहे हैं, कोई गेम डाउनलोड कर रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उस गेम को डाउनलोड करने के साथ साथ कोई वायरस भी उस गेम के साथ चिपक कर आ सकता है। तो फायरवॉल का काम होता है तमाम इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करना। फॉर एग्जाम्पल आपका एक इंटरनल नेटवर्क है जिसमें कुछ मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं और दूसरी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, तो अगर आपके राउटर में फायरवॉल का फीचर मौजूद है तो ये इस नेटवर्क में मौजूद तमाम डिवाइसेस के लिए एक गेट का काम करेगा। इस तरह आपके घर का दरवाजा होता है और उसमें एक लॉक लगा होता है और वो लॉक सिर्फ उन्हीं के लिए खुलते हैं और आप वो लॉक सिर्फ उन्हीं के लिए खोलते हैं जिनको आप जानते हैं, यानी उन्हीं लोगों को अंदर आने की इजाजत देते हैं जिनको आप जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही फायरवॉल भी इन तमाम डिवाइसेस को मॉनिटर करता है और सिर्फ उसी डाटा को आने की परमिशन देता है जो आपको एक्चुअल में चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल आपने याहू पर कुछ सर्च किया लेकिन याहू के साथ और दूसरी साइट से भी आपके पास दूसरी साइट भी आपको डाटा भेज रही है, तो अगर आपके कंप्यूटर में फायरवॉल का फीचर मौजूद है तो ये उन दूसरी डिवाइसेस से उन दूसरी वेबसाइट से आने वाले डेटा को ब्लॉक कर देगी, रोक देगी। और दोस्तों ये टू वे प्रोसेस है, यानी आपके कंप्यूटर में वायरस और अनवांटेड डेटा को आने से तो रोकेगी, साथ के साथ अगर आपके कंप्यूटर में पहले से कोई वायरस था, यानी किसी स्टोरेज डिवाइस के जरिए आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है और आप अपने कंप्यूटर से डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर में भेज रहे हैं, तो पहले तो ये होता था कि उस डेटा के साथ वो वायरस भी चला जाता था, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में फायरवॉल का फीचर मौजूद है तो ये उस वायरस को दूसरे कंप्यूटर्स में जाने से भी रोकेगा। यानी ये एक टू वे प्रोसेस होता है, यानी ये इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों तरफ के डेटा को मॉनिटर करता है और अनवांटेड डेटा को ब्लॉक करता है। तो दोस्तों अब आपको पता लग गया होगा कि फायरवॉल आपकी कंप्यूटर को सिक्योर करता है। और अब जो हम नेक्स्ट टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं वो खास तौर से आपके डेटा की सिक्योरिटी के लिए बनाई गई है, विच इज इंक्रिप्शन। दोस्तों इंक्रिप्शन की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और उनके बिल्कुल सामने कोई तीसरा शख्स मौजूद है,
और वो चाहते हैं कि वो तीसरा शख्स उनकी बात समझ ना सके, तो वो हो सकता है कोड वर्ड्स में बात करें या फिर इशारों में बात करें। तो दोस्तों मुझे ये बताएं कि उन्होंने आपस में इशारों में या कोड वर्ड्स में बात क्यों की, ताकि अगर वो तीसरा शख्स उनकी बात सुन भी लेता है तो उसको वो बात समझ नहीं आ सकती। अब आप इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही आपका इंटरनेट एक ओपन नेटवर्क है जिसमें हजारों हैकर्स मौजूद हैं जो कि आपके डेटा को बआसानी देख सकते हैं। तो ऐसे में जो टेक्निक यूज की जाती है डेटा को सिक्योर करने के लिए वो है इंक्रिप्शन। यानी ये इंक्रिप्शन एक इस तरह का प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने डेटा को किसी और फॉर्म में तब्दील करके सेंड करते हैं, और इसके देखने का तरीका या फिर वापस से एक्चुअल में कन्वर्ट करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ रिसीवर के पास ही होता है जिसको आप वो डेटा भेज रहे होते हैं। तो दोस्तों इस तरह का तरीके का जिसमें आप अपने एक्चुअल डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं किसी ऐसे टेक्स्ट में जो कि दूसरा नहीं समझ सकता, अगर उसको वो डेटा मिल भी जाए तो ये पूरा तरीके का इंक्रिप्शन कहलाता है। और इस तरह अगर बीच में कोई हैकर आपके डेटा को हैक भी कर लेता है या देख भी लेता है तो उसको कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो उसको समझ ही नहीं सकता। और दोस्तों आज के दौर में ये सबसे मौसर अंदाज है डेटा को सिक्योर करने का। इसके अलावा एक और टेक्निक है विच इज ऑडिट कंट्रोल सॉफ्टवेयर। दोस्तों ये इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मॉनिटर करते हैं तमाम कंप्यूटर ट्रांजेक्शंस को। यहाँ ऑडिट निकला है ऑडिटर से, और ऑडिटर मींस होता है हिसाब किताब करने वाला। बिल्कुल ऐसे ही ऑडिट कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज को ऑडिट करते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल कुछ सॉफ्टवेयर का लाइसेंस खत्म होने वाला है या खत्म हो गया है, तो ये तमाम चीजें मॉनिटर करके आपको बताएंगे। इसके अलावा जो यूजर्स आपके कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं उनको भी मॉनिटर करते हैं कि ये ऑथराइज्ड है भी या नहीं। तो इस तरह ये ऑडिट कंट्रोल सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी में मजीद इजाफा करते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने पासवर्ड्स, फायरवॉल्स, डिजिटल सिग्नेचर्स और इंक्रिप्शन की डिटेल्स देखी। इसके बाद जो हम टेक्निक देखने वाले हैं वो ऐसे कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन वो कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनमें पहली है इमर्जिंग सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। यानी जिस तरह न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, पहले हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते थे जो कि बड़े बड़े रूम्स में रखे जाते थे, और उन रूम्स में अगर कोई जाता भी था तो पता लग जाता था, अरे एक बड़ा रूम है उसमें कोई जाएगा तो दिख जाएगा। जबकि अब पीसीज वगैरह आ गए हैं, लैपटॉप्स और टैबलेट्स वगैरह आ गए हैं जो कि हर ऑफिस की डेस्क पर आपको नजर आएंगे। तो ऐसे में क्रिमिनल्स के लिए क्योंकि हर ऑफिस की डेस्क पर आपको नजर आएंगे तो ऐसे में क्रिमिनल्स के लिए डेटा को चुराना, नुकसान पहुंचाना और आसान हो गया है। इसीलिए रोजमर्रा की जिंदगी में क्राइम्स के बढ़ने की वजह से कॉन्स्टेंटली न्यू टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स को डेवलप करना पड़ता है कंप्यूटर की सिक्योरिटी को मोर पावरफुल बनाने के लिए। और इन तमाम टेक्निक्स को तो आपने अपना लिया, लेकिन आपको कभी भी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कभी भी इन टेक्निक्स पर 100% मुनहसर ना रहें, बल्कि खुद भी अपनी आंखें खुली रखें और टेक्नोलॉजीज के साथ साथ खुद भी अपने कंप्यूटर और उसमें मौजूद डेटा की सिक्योरिटी का ख्याल रखें। तो दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेकिंग बैकअप्स। दोस्तों एक बात याद रखें कि कोई सिस्टम कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो कभी भी आपको 100% सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। और मान लें कोई ऐसा सिस्टम बन भी गया जो 100% सिक्योर हो और अचानक से जलजला आ गया और वो सिस्टम ही टूट जाए, अब ना बचेगा सिस्टम और ना ही उसमें मौजूद डेटा। तो इसीलिए हमेशा अपने कंप्यूटर के डेटा का कोई बैकअप जरूर रखें ताकि आप बड़े से बड़े नुकसान से बच सकें। दोस्तों ये कुछ टेक्निक्स थी आपके कंप्यूटर और उसमें मौजूद डेटा को सिक्योर करने की। अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक का आगाज करेंगे जिसका नाम है प्राइवेसी इश्यूज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।